understand what is meant by healthy living first. Or because everything is connected after that. Because see, if somebody does not want to live healthy, it does not matter what he's eating, right? So, what is meant by healthy living? Healthy living. क्या क्या चाहिए होता है? See, पहली चीज जो हम सबको पता है, healthy living की एक balanced diet चाहिए होती है. So I will explain these things more क्योंकि it's more of a cliche. Balanced diet इतना सुन चुके हैं कि पक चुके हैं balanced diet का मतलब क्या है. But I'll explain what is a balanced diet means. ना? Second चीज क्या है कि we have to drink plenty of water. ये आपने WhatsApp में पढ़ा होगा. But what is meant by plenty? जब हम plenty बोलते हैं तो what is the number? I'll talk about it. ना? Plenty of water. Third thing जो हमें लगता है बहुत important है वो है sleep. You are getting enough sleep or not? क्योंकि यू नो समहाउ इट्स अ डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी मोबाइल आने के बाद ना क्योंकि हमें सडनली ऐसा लगने लगा कि जो हैव यू नोटिस जो ग्लोबलाइजेशन जो मॉडर्नाइजेशन है हर वो चीज जो डिफॉल्ट होती थी हमें लगने लगा उसकी जरूरत क्या है ना जैसे पैदल चलना वॉज डिफॉल्ट अब हमें लगता है उसकी जरूरत क्या है कार से जाते हैं ना या पानी पीना वॉज डिफॉल्ट बट हमें लगता है उसकी जरूरत क्या है कोल्ड ड्रिंक है चाय है कॉफी है राइट उस तरह स्लीप वाज डिफॉल्ट सूरज डूबता था लोग सो जाते थे सूरज उगता था लोग उठ जाते थे एंड नाउ मोस्ट ऑफ अस आर वंडरिंग इज देयर अ वे टू रिड्यूस द स्लीप क्या चार घंटा सो के काम नहीं चल सकता हम और प्रोडक्टिव नहीं हो सकते ना सो वी आर प्लेइंग अराउंड विद द डिफॉल्ट कंडीशन ऑफ आर बॉडी अभी जो हमारी बॉडी हुई है मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई है अभी वो एक जनरेशन से चेंज नहीं हो सकती कुछ ऐसा करते हैं चेंज करने की कोशिश करते हैं देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ना बिकॉज़ इफ समबडी इज नॉट स्लीपिंग वेल अभी स्लीपिंग का मतलब क्या होता है इट्स अ वेरी वेरिड नंबर जब आप इंटरनेट देखोगे कहीं पता करने की कोशिश करोगे जनरली दे रिफर 7 टू 8 आवर्स व्हिच माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू ना हो सकता है आपको 8.5 घंटा सोना पड़े बट आई नो पीपल जिनका 6 घंटा सो के भी काम चल जाता है एंड आई नो पीपल जो 4 घंटे सो के भी काम चला लेते हैं ना सो So, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इनफ स्लीप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अब होता क्या है देखो इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि स्लीप पता करना है कि हमारी इनफ है कि नहीं हो रही है एट व्हाट एज यू आर यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट छोटा बच्चा 14-15 घंटे सोता है एंड एज वी ग्रो एज वी एज हमारी स्लीप रिड्यूस होती है 25 के बाद जनरली वी नीड 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप लेकिन उसके बाद जब 60 क्रॉस करते हैं अगेन स्लीप अमाउंट ऑफ स्लीप बढ़नी शुरू हो जाती है राइट अभी क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा हम इनफ सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं राइट देखो अगर हम इनफ नहीं सो रहे हैं जो पहला सिम्टम आता है वो हम सबको पता है कि वी फील स्लीपी एंड लिथार्जिक एंटायर डे ना समहाउ यू नो स्लोनेस आ जाती है हमारे डिसीजन मेकिंग राइट तो हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वजह से इफेक्टिवनेस कम कर रहे हैं दैट इज वेरी ऑब्वियस देयर आर अदर साइंस आल्सो सम ऑफ यू माइट नॉट फील लिथार्जिक कैसे पता चलेगा डार्क सर्कल्स आंख में पफनेस है या यू नो आईज रेड हो रही है राइट लेकिन आप लिथार्जिक नहीं फील करोगे क्योंकि वो तो बहुत ऑब्वियस साइन है कुछ लोगों को ये सब सिम्टम्स नहीं होते लेकिन उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है ओवर ईटिंग ना सो इफ यू फील लाइक ओवर ईटिंग स्पेशली जंक फूड द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक फॉर कि आप कल कितना देर सोए थे यू नोटिस दैट तो क्या करना चाहिए डोंट गो टूवर्ड्स मैकडोनल्ड्स गो टूवर्ड्स योर बेड एंड सोलो ना राइट यू नो इरिटेटेड रहोगे इफ यू आर फीलिंग इरिटेटेड विदाउट सी इफ यू आर अ नाइस गाय बट इफ यू आर फीलिंग इरिटेटेड प्रोबेबली स्लीप इज द रीजन दूसरा रीजन हो सकता है विटामिन बी की कमी है बट जनरली यू नो यू आर नॉट स्लेप्ट वेल अगेन गो हेड टू योर You know, go towards your bedroom. और कितने देर की स्लीप इनफ है अगर आप दोपहर को सोना चाहते हो जस्ट टू पिक योर मूड अप क्रेविंग खत्म करने के लिए द साइंस सेज 25 मिनट्स की स्लीप अगर आप अलार्म लगा के 25 मिनट सोते हो तो द क्रेविंग विल गो अवे द इरिटेशन विल गो अवे मूड स्विंग विल गो अवे दैट्स हाउ सिंपल इट इज ना इफ यू कीप डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉस ऑफ मेमोरी लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन सो मेनी थिंग्स एक और चीज है लेट्स से अगर आप सो के उठते हो You slept for 8 hours, अपने अलार्म लगाया 8 घंटे 9 घंटे सो के उठे लेकिन जब सो के उठ रहे हो इफ यू हैव अ सोर थ्रोट गले में खराश है ना या तो फिर यू नो ड्राई माउथ है जब भी उठते हो माउथ इज टू ड्राई एक्चुअली
ना, या तो फिर यू नो हेडेक है, एक्चुअली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ना, क्योंकि आप सो रहे हो बट ठीक से नहीं सो रहे हो एक्चुअली ना, दैट बिकॉज यू माइट हैव अ स्लीप एपनिया प्रॉब्लम, बीच में रात को नींद खुली जो आपको नहीं पता है, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डायबिटीज, यू रियली डोंट नो. ये तीनों सिम्टम में एक्चुअली शुड कंसल्ट अ स्लीप थेरेपिस्ट डॉक्टर, गो टू अ फिजिशियन, ही विल हेल्प यू फाइंड अ स्लीप थेरेपिस्ट, राइट? ओके, ग्रेट. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवॉइड स्मोकिंग. देखो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि सिगरेट पीना बंद कर दो, बस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स अ चॉइस. क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कितने हेल्थ हैजार्ड है स्मोकिंग के, मुझे खुद नहीं पता, राइट? मोस्ट कॉमन क्या है, लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो स्मोक करते हैं यू नो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. फनी थिंग क्या है कि एक्चुअली वो समबडी हु स्मोक्स ही इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रेस्ड, वो स्लगिश हो रहा है. स्लगिश मतलब उसकी बॉडी जो है लूज नहीं हो रही है, उसके बॉडी पर से कंट्रोल हट गया है. क्योंकि होता क्या है कि सी, जब भी अपने ब्रेन को कोई सिग्नल देते हैं बॉडी के किसी से, लेट्स से आई हैव टू मूव दिस हैंड, सो माय ब्रेन विल टेल कि हाथ मूव करना है, इट विल फ्लो थ्रू आवर नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट विल गो टू आवर हैंड एंड आई विल लिफ्ट द हैंड, दैट्स हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स. उसके लिए क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं. When it reaches at the end of the nerve, end of the nerve release neurotransmitter, वो muscles को जाके hit करते हैं. It's like lock and key. Lock है, उसमें key में ऐसे fit किया, हाथ ऐसे ऊपर उठ गया. What does nicotine does? Nicotine का जो size होता है ना और shape होता है, वो exactly neurotransmitter जैसा होता है. तो जब हम उसको smoke करते हैं, जहाँ पे neurotransmitter जाने वाले थे, वहाँ nicotine जाके everywhere it gets stuck, right? अब क्या होगा अगर मैं कहूँगा मेरा हाथ उठने को, तो आई फील स्लगिश, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा हाथ उठाने में ना. लेकिन क्योंकि हम स्लगिश है, लॉट ऑफ पीपल टेक इट एज अ रिलैक्सेशन, राइट? और इसीलिए जब लोग स्मोकिंग बंद करते हैं तो दे फील इरिटेशन, बिकॉज वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ना, क्योंकि ब्रेन ओवर एक्टिव ऑलरेडी हो रहा है, ब्रेन को काफी एफर्ट करना पड़ रहा है, दे बिकम ओवर सेंसिटिव, उनको फिर से सिगरेट पीना पड़ता है अपने को स्लगिश करने के लिए, नॉट टू रिलैक्स. उसका जो लीवर पे डैमेज है, जो ब्लड पे डैमेज है, लंग्स पे है, दैट इज सेपरेट यार, उसके लिए आप इनफ जानते हो. आई एम जस्ट टेलिंग अ रीजन कि व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग, लोगों की स्टार्ट कहाँ से होती है, राइट? और प्रोबेबली एट सम पॉइंट ऑफ सेशन अगर हो सका तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, राइट? थर्ड थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो, मैंने इसका कोई पीपीटी नहीं तैयार किया है, सो यू हैव टू डिपेंड ऑन इट, राइट? You know, you should go and do research and understand what is metabolic syndrome. It's a dangerous condition. Jo world ki 70% population ko kill kar rahi hai. 70% is a huge number. Now, metabolic syndrome is a combination of high blood pressure, high blood sugar, excess fat around waist, and abnormal cholesterol level. It's a combination. Now, अभी चैलेंज क्या है कि ज्यादातर लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में क्यों नहीं पता चला. मैंने चार चीजें क्या बताई, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, एक्सेस फैट अराउंड वेस्ट, फोर्थ इज एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इट कैन किल अस. 70% लोगों को यही मार रहा है समय. इसमें से जो विजिबल साइन है ना वो सिर्फ फैट अराउंड वेस्ट है, बाकी जो तीनों सिम्टम है ना वो इनविजिबल है. सो वी केप्ट ऑन इग्नोरिंग until it start impacting our organs, na? Jab heart mein problem start ho gayi, kidney mein problem start ho gayi, liver mein problem start ho gayi, then we go to a doctor, it's only too late. So you learn what is metabolic syndrome, uske symptoms kya hai, kaise test kiya, what all tests are required ki early age pe ho jaye. The research hui thi, US aur Europe mein kafi research hoti hai, unfortunately India is not advanced enough, to have enough research ho. To jo bhi main research aapko data bataunga, basically US Europe ka rahega. Still you have to work little hard towards it, scientists ko research karne ke liye. Jo early deaths hoti hai, early deaths, yeah? Early death ka matlab hota hai below 40, usme se sirf 10% medical interventions hoti hai, sirf 10%, yeah? 20% jo hoti hai wo accidents hoti hai, yeah? 10% matlab medical care theek se nahi mil paya.
20% is no accidents. 70% जो है metabolic syndrome, यानी socio environment factor, कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, right? So this is all about healthy living. अब मैं इसी चीज को थोड़ा expand करने की कोशिश करूँगा. So you know you can get as much information as possible, right? Great. तो हम लोग balanced diet से शुरुआत करते हैं. And I try to cover more things later, right? So balanced diet का मतलब क्या है? हम food लेते हैं. ठीक, खाना खाने खाना खाने का पर्पस क्या है? दो पर्पस है खाना खाने का. पहली चीज क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी एंड फूड गिव्स अस न्यूट्रिशन, राइट? तो अब हमें एनर्जी कौन कौन देता है? वी कैन हैव कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, वी कैन हैव फैट, हमें फैट एनर्जी देता है, हमें प्रोटीन एनर्जी देता है, राइट? एंड हमें अल्कोहल भी एनर्जी देता है. So some of you might be happy seeing alcohol, right? Energy देता है और fact भी है, but I'll not talk about much about alcohol. इन चीजों के बारे में बात करूँगा. और it's a fact, alcohol energy देता है. उसके जो disadvantage है, let's forget about it. Let's understand alcohol. तुमने देखा होगा बहुत से लोग जो है, they don't eat, they start, they are alcoholic. So actually it gives you energy, ना? प्रॉब्लम कहाँ है? इस कॉलम में इंक्लूडेड नहीं है अल्कोहल न्यूट्रिशन, ना? तो सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट? ना? एंड जो उसका एडिक्शन है वो अलग है. सेकंड चीज क्या है अल्कोहल को, जो सबसे डेंजरस चीज है, इट वर्क्स एज अ ड्यूरेटिक्स. ड्यूरेटिक का मतलब क्या है? ये बॉडी से वॉटर को निकाल देता है, ना? राइट? सो यू नो ऑल ऑफ अस वी हैव टेकन इनफ अल्कोहल, बार बार टॉयलेट जाते हैं भाग के, ना? तो वो अल्कोहल बाहर नहीं आ रहा है, वो तो अंदर ही है, वाटर बाहर आ रहा है, विच इज अ डेंजरस थिंग, ना? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाता है, हमारी थिंकिंग स्लो हो जाती है, वी कैन नॉट टेक राइट डिसीजंस. ब्रेन में पानी कम चला गया तो यू नो इफ यू आर डिहाइड्रेटेड, कैन यू रियली थिंक वेल? एक्चुअली नॉट. लेकिन जब आप अल्कोहल पीते हो तो ये बातें आपको पता क्यों नहीं चलती है? इसका दो रीजन है, ना? क्योंकि यू नो इफ समबडी, इफ यू से टू समबडी, बिकॉज ऑल ऑफ यू अग्री कि अगर तुम डिहाइड्रेटेड हो, यू कैन नॉट फंक्शन वेल, सर दर्द होता है, सो मेनी थिंग्स, राइट? एक्चुअली यू प्रीफर टू लाई डाउन डूइंग नथिंग. लेकिन समबडी हु इज इंटॉक्सिकेटेड अंडर अल्कोहल, दे डोंट माइंड ड्राइविंग, उनको उनको पता ही नहीं होता वो डिहाइड्रेटेड है. इसके दो रीजन है. पहला रीजन क्या है? अल्कोहल जो है सोशल इनहिबिशन हटा देता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सोशल ड्रग. कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो यू कैन टॉक टू एनीबडी फ्रीली, ना? राइट? और लोग इसीलिए होता है सोशल गैदरिंग में लेते हैं, इट रिलीजेस, रिलैक्स योर मसल्स, ना? टेंशन हटा देता है, स्ट्रेस खत्म करता है, यू कैन टॉक टू पीपल फ्रीली. इसका डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ अल्कोहल. क्योंकि सोशल इनहिबिशन हट गया ना, यू डोंट केयर, किसी को बुरा लगता है लगने दो, ना? सेकेंड चीज क्या है? अगर तुम किसी, इफ यू वॉन्ट टू किल समबडी, ढेर सारा अल्कोहल पी लो, काम आसान हो जाएगा एक्चुअली, ना? तो जितने भी मर्डर वगैरह होते हैं, यू नो वो सोशल इनहिबिशन हट गया ना, तो एक्चुअली यू कैन गो एंड किल समबडी, इट्स दैट इजी. जब तुम कॉन्शियस हो तो कैन यू रियली डू दैट एक्ट? नो. इसने क्या किया? डिहाइड्रेट कर दिया ब्रेन को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म कर दी, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, ना? सो यू नो इफ यू कैन गो एंड किल समबडी, यू कैन डू अ डोमेस्टिक वायलेंस, you know why somebody believe ki they can drive well? It's funny, right? Obviously hota hai kyunki self awareness khatam kar deta hai. What is self awareness? Self awareness ka matlab, can I see myself how I am behaving, na? Jaise kuch log hote hain wo bahut zyada baatein karte hain, lekin unko self awareness nahi hai, wo bahut zyada baatein karte hain, unko batana padta hai, na? Right? So ye self awareness ko khatam kar deta hai. We cannot see ourselves, na? या यू नो जैसे और क्या क्या चीजें सेल्फ अवेयरनेस खत्म कर देती हैं? एंगर, ना? सो अगर इफ यू आर एंग्री एंड समबडी पॉइंट्स यू, कि अगर समबडी पॉइंट्स मी शक्ति यू आर एंग्री, आई माइट से आई एम नॉट एंग्री, राइट? बिकॉज यू नो सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो गई, मैं गुस्से से बोलूंगा तो मैं गुस्सा नहीं, राइट? सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ यू नो अल्कोहल. सो दैट इज इनफ, राइट? तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे. व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन,
दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड होता है माइक्रो. मैक्रो में क्या क्या आता है, अगेन फोर कैटेगरीज है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है एंड अल्कोहल नहीं है, वाटर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है मैक्रो न्यूट्रिएंट वाटर. माइक्रो में क्या आता है, बेसिकली माइक्रो में एक मिनरल्स आते हैं एंड विटामिंस आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिंस. ठीक है, और अब विटामिंस की भी दो कैटेगरी होती है ना. एक कैटेगरी होती है कि जिसको हम लोग कहते हैं वाटर सोल्यूबल, सेकेंड होता है उसको कहते हैं हम लोग फैट सोल्यूबल. तो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये दो वाटर सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, ए बी ई एंड के. लेट्स रिलेट दीज थिंग्स ना. सो देखो स्पेशली आज मैं जो बातें करूंगा मैं इसके बारे में बात करूंगा. आई ट्राई टू इंक्लूड वाटर ऑल्सो कि यू नो थोड़ा बहुत इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज जो ऊपर के तीन है उनके बारे में तो श्योरली बात करूंगा ना. राइट, सो देखो यार जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड टॉक्सिसिटी भी होती है ना, कुछ चीज की ओवर ईटिंग हो सकती है. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हम लोग ओवर ईट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज जो हम ओवर ईट नहीं कर सकते ना, और ऐसी कौन सी चीजें जो ओवर ईटिंग करने पे डेंजरस होती है. राइट, तो आई जस्ट पुट शॉर्ट में माइक्रो में क्योंकि मैं इसके ज्यादा कवर नहीं करूंगा. देखो जब हमें मिनरल्स और विटामिंस की बात आती है द फर्स्ट थिंग वी शुड बी केयरफुल अबाउट इज फैट सोल्युबल विटामिंस ना, क्योंकि यू नो ये जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं एंड दे कैन बी टॉक्सिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ए डी ई के लिए हम लोग को वी शुड अंडरस्टैंड कितना हमें लेना है ना. सो डब्ल्यू एच ओ क्या रिकमेंड करता है, डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है कि जो डेली डोज है जितना डेली हमारे बॉडी को चाहिए उसका 1/3 इज इनफ ताकि टॉक्सिसिटी ना हो ना. जैसे लेट से विटामिन डी मुझे चाहिए कितना, यू नो लेट से 10,000 यूनिट चाहिए पर डे, तो WHO रिकमेंड करता है डोंट टेक बियॉन्ड 3,000 के बियॉन्ड मत, मतलब 33.33% उसके बियॉन्ड. सो इट्स अंडर कंट्रोल क्योंकि थोड़ा बहुत तो इधर उधर से आ ही रहा है ना. बट सम ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं विटामिन डी लेता हूँ यार तो 60,000 यूनिट है, तो तभी डॉक्टर कहता है हफ्ते में एक बार लो, सो सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना. अगर तुम ओवर जल्दी लोगे तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट वर्क्स एज अ poison na. So nothing is good or bad inherently, kyunki control mein to alcohol bhi acha hai. Right, problem kaha hoti hai, aur agar out of control ho jaye to apple bhi kharab hai. An apple a day is good, what about 20 apples a day, rona ho jayegi na. So anything beyond a limit is dangerous na. So if you understand the limits hum log most of time cheeze control kar sakte hai na. Same thing with minerals. So, अभी देखो हम सब मल्टी विटामिन क्यों लेते हैं, अभी बहुत कॉमन हो गया है मल्टी विटामिन. डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो मल्टी मिनरल्स एंड मल्टी विटामिन देता है, और खास तौर से मल्टी मिनरल्स, जिंक, जिंक की डेफिशिएंसी सो कॉमन ना. जब मैं यू नो व्हेन आई वाज किड कैल्शियम डेफिशिएंसी वाज अनहर्ड ऑफ ना. इसका दो रीजन है, ऑफकोर्स फूड की क्वालिटी खराब हुई है, सेकेंड क्या है कि सी मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिंकिंग आरओ वाटर. So, बहुत से ऐसे मिनरल्स थे जो हमको पानी के साथ मिलते थे, अब सिंस वी आर ड्रिंकिंग आरओ वाटर सो इट इज रिमूविंग मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, और वो हमारे हेल्थ को बहुत सीवियर हैजर्ड्स दे रहा है. तो अब क्या करें, कल से आरओ का पानी पीना बंद कर दें, देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट विल कम, कॉलरा हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है ना. सो वी आर स्टक एक्चुअली समहाउ ना. अभी उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, एक्चुअली मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन, देयर इज नो अदर वे क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है. देयर इज नदर वाटर के अलावा कोई सोर्स ही नहीं है बहुत से ऐसे मिनरल्स से. तो कैल्शियम हमें पता है हमें मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है, सोडियम मिल सकता है, बट देयर आर हैवी मिनरल्स दैट कम बिकॉज ऑफ यू नो वाटर, फ्रॉम वाटर इटसेल्फ. राइट, और सच बताऊं तो आरओ इनहेरिटली बैड नहीं है,
क्योंकि जब वो अच्छे मिनरल्स हटाता है तो एक्चुअली वो बहुत से खराब मिनरल भी हटा देता है, जैसे लेड है, कॉपर है, लेड है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मर्क्यूरी इज लाइक अमेजिंग वाटर में यार, इट इज किलिंग अस. सेम थिंग विद लेड. सो डोंट स्टॉप ड्रिंकिंग विद ड्रिंकिंग आरओ वाटर. एक्चुअली वो काफी पॉइजनस मिनरल्स हमारे उसमें पानी में से हटा रहा है. ग्रेट है. सो this is about macro and micro. So let's talk about carbohydrate, protein and fat and protein. See, agar aap nutrition industry mein ho, jo ki hum sab hain, just few people jo unhone first time, second time join kiya, or maybe they are just getting started with us as a partner, unko chhod de. So we have been in the nutrition industry for a long time. Aur jo sabse bada debate hai nutrition industry ka, dekho sabko pata hai calcium, iron, ye sab pata hai, vitamin C, D, sab important hai. तो सबसे बड़ा डिबेट ये है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सबसे बड़ा डिबेट है. इन तीनों में से कौन सा अच्छा है. एंड इट हैज गिवन राइज टू सो मेनी डाइट प्लान्स, चाहे इट्स अ पैलियो डाइट और कीटोनिक डाइट और इट्स अ मेडिटेरेनियन डाइट और योगिक डाइट और दादाजी दादी जी डाइट, कुछ भी डाइट ना, हमारी खुद की डाइट. इट हैज क्रिएटेड सो मच ऑफ कंफ्यूजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. और फनी चीज क्या है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी, क्या जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वेदर दे वर एवर वरीड कि क्या खाएं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ना, दे वर नेवर वरीड, राइट? एंड दे वर हेल्दी, दे वर मोर हेल्दी देन अस. ना, ये प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ अ बुक दैट वाज रिटन इन 1854 ना बाय अ ऑथर, जिसने फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, और उसको सेग्रीगेट कर दिया था ना. अब 150 साल पुरानी इंफॉर्मेशन से आज भी हम चिपके हुए, 150 साल पुरानी ना, क्योंकि यू नो समहाउ वी आर नॉट एबल टू कट आवरसेल्फ फ्रॉम इट ना. वो आज भी वो मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं. तो इन तीनों में से कोई अच्छा है, कोई बुरा है? बिल्कुल नहीं. बिकॉज दैट्स व्हाट आई विल टॉक अबाउट कि तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. कंट्रोल्ड वे में दे आर अमेजिंग, आउट ऑफ कंट्रोल दे कैन किल यू. Right, so that's what I will talk about. Thoda segregations. So great. So I'm rubbing it. I hope you have covered it. Anyway, main isko record kar raha hu. I'll share the recording also. Right. Okay. So where should we start? Let's start with protein first thing. Yeah. So humne kya baat ki? Hum log baat karenge is sequence of protein. Then we'll talk about carbohydrate. Or finally fat ki baat karenge. क्योंकि लोग नाम से ही डर जाते हैं फैट के बारे में, राइट? तो लास्ट में इसको कवर करेंगे फैट को. व्हाट इज प्रोटीन? जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, सो अभी जो वर्ड है ना, समहाउ इट इज एसोसिएटेड विद जिम. इतना हम लोग सुन चुके हैं कि जिम, प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए. सो जो एक्चुअल मीनिंग है ना, उसकी लॉस्ट हो गई है प्रोटीन. जब हम प्रोटीन की बात करते हैं लेमन टर्म में, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स, राइट? उसका थोड़ा यू नो एक नाम प्रोटीन भी है, बट बेसिकली अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड्स की जब हम बात करें, क्विक डिस्टिंक्शन, इसमें से कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं और कुछ एसेंशियल होते हैं ना. तो इम्पॉर्टेंट दोनों है. नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? ये बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, तो इसलिए नॉन एसेंशियल है, नहीं हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है. एसेंशियल का मतलब क्या है? ये बॉडी हमारी प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो टोटल देयर आर 22 अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. ना, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, आई टॉक अबाउट इट. उसमें से जो एसेंशियल है वो 9 है ना, और नॉन एसेंशियल जो है वो 13 है. ग्रेट. सी लॉट ऑफ यू आर टेकिंग, if you are looking for a protein supplement, let's say doctor ne kaha hai, gym jaate ho, kahin bhi jaate ho, what you should look for, the first thing you should look for in a protein supplement, ye jo 9 essential amino acids hai wo usme hai ki nahi na. kyunki kabhi kabhi kya hota hai, aap protein lene jaate ho, 9 ki jagah 8 kar diya, usse price jo hai aadha ho gaya. And then you hum dono ko compare karte hain ki tere yaar ye to aadhe mein leke chale aaye na. so you know internet se just see what are the 9 essential amino acids. ना, वो किस रेशियो में होने चाहिए, वो है कि नहीं. अगर वो नहीं है तो दैट प्रोटीन पाउडर इज ऑफ नो यूज बेसिकली.
राइट, बाकी सबसे मतलब नहीं है प्रोटीन पाउडर बोला नहीं नेसेसरी। सेकंड चीज क्या है, देयर समथिंग कॉल्ड कितना डाइजेस्टेबल है, वो हमें पता चलता है पीडी का स्कोर से, क्योंकि प्रोटीन इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल राइट, और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट राइट। तो उसका पीडी का स्कोर क्या है, वन का मतलब हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉसिबल प्रोटीन राइट। ओके अगेन एक बार मैं एक चीज जाता हूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ना फूड की, जब हम बात करते हैं तो बिफोर वी गो टू, मैंने क्या बताया कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, तो जो फूड है हमें एनर्जी देता है। तो देखो सबसे आसान है एनर्जी बॉडी के लिए एक्सट्रैक्ट करना कार्बोहाइड्रेट से ना, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है, 1 ग्राम फैट 7 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है, और 1 ग्राम प्रोटीन अगेन 4 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। सो सबसे आसान क्या है बॉडी के एनर्जी क्रिएट करना, कार्बोहाइड्रेट ना, तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी के लिए सबसे इजी होता है। द सेकेंड चॉइस फॉर आर बॉडी टू गेट एनर्जी इज फैट ना, और ज्यादा मिलती है इनफैक्ट राइट। थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोटीन। जो जब कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट नहीं होता है हमारे बॉडी में, तब हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देती है राइट, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग ना, क्योंकि अगर हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए वो नहीं बचेगा, और अगर वो नहीं बचेगा देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशन दैट कैन अराइज राइट। दूसरा वजह क्या है, दूसरा रीजन क्या है, इफ यू डोंट टेक इनफ प्रोटीन सेम काइंड ऑफ कंडीशन हैपेंस अपीयर्स राइट। सो फर्स्ट चॉइस कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। अभी मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ, आई जस्ट ट्राई टू कोरिलेट एट द एंड हम कैसे करते हैं राइट, बट यू अंडरस्टूड ऑल थ्री आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन ना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट थिंग मैंने बताया क्या था, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ऑल्दो इट इज नॉट अ प्रिफर्ड चॉइस फॉर श्योर ना, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, क्योंकि बहुत एफिशिएंट नहीं है ये, बहुत ही लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है ना, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं राइट। सो उसमें बहुत कंज्यूम हो जाता है तो बॉडी इसको अवॉइड करती है राइट। सेकेंड क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर लेट्स से प्रोटीन कंज्यूम तो कंज्यूम करते हैं, अगर इनफ प्रोटीन नहीं है तो बॉडी इसको यूज करने लगती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो बहुत से बॉडी फंक्शन जो है उसके लिए प्रोटीन बचता नहीं है। तो किस किस बॉडी फंक्शन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए ना, सेकेंड क्या, किस किस बॉडी फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन से बने होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं राइट। अभी एंजाइम हार्मोन क्या होता है, यू हैव टू डू लिटिल रिसर्च राइट। थर्ड क्या है, जितने एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज का मतलब क्या है, जब भी कोई जर्म्स बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो एंटीबॉडीज हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। सो इफ यू आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, हमारी बॉडी इनफ एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी ना, और अगर एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी ये ना, और कोरोना वायरस है इम्यूनिटी से बचना क्या है, वी शुड मॉनिटर आवर प्रोटीन डाइट, इनफ है कि नहीं है राइट। थर्ड क्या, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो प्रोटीन मैनेज करता है, तो अगर प्रोटीन की कमी है तो हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। फ्लूइड इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड वाटर है, लेट्स से मेरे पास पानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है फ्लूइड रिटेन करने लगती है, उसको निकाल नहीं पाती है। आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीकन जो बच्चे होते हैं दे आर स्टार्विंग लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा सा रहता है ना, वो इसलिए होता है कि उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो बॉडी फ्लूइड स्टोर कर रही है
या ऐसे बहुत से लोगों से भी मिलोगे जो पतले दुबले हैं लेकिन यू नो उनका पेट सिर्फ निकला है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि आदमी दुबला पतला बस ऐसे पेट निकला हुआ है. तो बॉडी फ्लूइड रिटेन कर रही है, इट्स अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, ही जस्ट डोंट नो कि उसको सीवियर, क्योंकि अगर किसी को फैट एक्यूमुलेट होगा तो या तो पूरा अराउंड वेस्ट एक्यूमुलेट होता है या पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, सिर्फ पेट पे इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है? सोडियम पोटेशियम. अभी सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ओल्डर पीपल, खासतौर से 60 प्लस पीपल में ना, कि जैसे सोडियम पोटेशियम पीपल कैन गेट अनकॉन्शियस, उनको उनको चोट लग जाती है. तुमने देखा होगा ज्यादातर ओल्ड एज में कितना कॉमन है गिर जाना ना, क्योंकि ठीक से खाना नहीं खाते ना. तो अगर प्रोटीन नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता है. सो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए अब क्या मैं गेटोरेड पी सकता हूँ? नहीं बॉस, गेटोरेड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक, इट डज नॉट वर्क. द ओनली वे टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज फूड एंड वाटर. अगर हम बाहर से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हमें ज्यादा डिहाइड्रेट कर देता है. कैसे? प्रोबेबली यू नो आई विल टॉक अबाउट लेटर. तो अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना है, यू टू ईट फूड विच इज रिच इन प्रोटीन एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. दैट इज द ओनली वे. कोई आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट द राइट. एसिड बेस का बैलेंस प्रोटीन बना के रखता है. सो इफ यू हैव एसिडिटी प्रोबेबली यू नो प्रोटीन की कमी है, या अगर ब्लड में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए, बेस वगैरह हो गया ज्यादा ना, प्रोटीन की कमी हो सकती है ना, क्योंकि इट वर्क्स एज अ बफर. वो मेंटेन करके रखता है. जैसी ज्यादा एसिडिटी पड़ती है तुरंत ही उसको कंट्रोल कर लेता है, एसिड को कंज्यूम कर लेता है, बेस को कंज्यूम कर लेता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है राइट. क्योंकि अगर 0.2 से ज्यादा वेरी करती है हमारी एसिड और बेस की जो हमारा पीएच बैलेंस है, 0.2 से ज्यादा इधर वेस, तो यू नो पीपल कैन गो इन कोमा. तो इसलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. अब तुमने देखा होगा ये सारी प्रॉब्लम ओल्ड एज में कितनी कॉमन है, कोमा में चला जाना और बेहोश हो जाना, ये सब क्यों है? प्रोटीन की कमी होती है. They don't eat much protein, right? Great. Lipid, minerals, vitamins, or lipid I call fat and oxygen. अब देखो ये चार चीजें होती है जो बॉडी में हर जगह चाहिए होती है, इसको प्रोटीन कैरी करके लेके जाता है इन सम फॉर्म. तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा फैट का, हमारी बॉडी में फैट का, मिनरल्स का, विटामिन्स का एंड ऑक्सीजन का राइट. क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो हमारे सेल्स हैं, हमारी सेल्स की जितनी भी मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, मिडिल वाली छोड़, आउटर लेयर एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. यू नो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज ना. मैंने जैसे बताया था ये आरबीसी रेड ब्लड सेल की फंक्शनिंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रोटीन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है राइट. और हमारे देखो हमारे जो इंटेस्टाइन है, देखो हम लोग का जो फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में और स्टमक में राइट. तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि उसमें अगर हम ब्लेड भी डाल देंगे ना तो उसको वो मेल्ट कर देगा. दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज. एंड यू नो हमारे पेट के अंदर ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि एवरी 1.5 days, एवरी 36 hours जो हमारी इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की वो रिन्यू होती है वो स्किन एवरी 36 hours. और वो जो इनर लाइनिंग होती है ना जो स्किन की होती है, इट्स मेड बेसिकली ऑफ प्रोटीन. तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इनर लाइनिंग डेवलप नहीं हो पाएगी हमारी और एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. यू नो मैंने देखा है कि यू नो समबडी हैज एसिडिटी प्रॉब्लम, प्रोटीन वर्क्स लाइक मैजिक प्रोटीन के सप्लीमेंट्स. क्योंकि फूड में प्रोटीन बढ़ाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिटी है राइट. अभी खाना खाएगा और फूड में बाकी चीजें रहेंगी यू नो वो सॉल्व नहीं होती है ना. तो हमें क्या देना पड़ता है उसको? प्रोटीन सप्लीमेंट. एंड विद इन 2 to 3 days यू नो 36 hours में उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है. जस्ट 36 hours इफ यू टेक अ प्रोटीन सप्लीमेंट ना. दैट्स हाउ सिंपल इट इज राइट. और सबसे बड़ी चीज क्या है? हेयर्स
हेयर्स, नेल्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के, राइट? लेट्स से आएगा प्रोटीन, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा हर जगह एड में भी आता है कि इफ यू हेयर फॉल प्रॉब्लम इट कैन बी बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी. क्योंकि होता क्या है कि हमारी बॉडी के लिए हेयर इज यूजलेस थिंग ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो लेट्स से प्रोटीन कम खा रहे हैं, फूड में प्रोटीन कम जा रहा है हमारा, तो बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो जो है हेयर्स को प्रोटीन देना बंद कर देता है एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन विच इज गुड ना. लेकिन इसका साइड इफेक्ट हेयर्स पे दिखता है क्योंकि इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है बालों को, तो वो टूट के गिरने लगते हैं. वो पहले महीन होते हैं, थिन होते हैं, देन ओवर टाइम स्टार्ट ब्रेकिंग एंड फॉलिंग डाउन ना. ग्रेट. सो अगर मैं प्रोटीन लेना है तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखो अप्रोक्सीमेटली 0.8 to 1 gram पर केजी. तो मेरा वेट 62 kg है तो मुझे 62 grams प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम ना. जो लोग जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट 1.5 ग्राम्स होती है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन कि पर केजी अगर 70 kg हो तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए. इफ यू डोंट वॉन्ट एसिडिटी प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, एनीमिया प्रॉब्लम, राइट ना. तो एक और चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, रोज चाहिए होता है ना. प्रोटीन को प्रोटीन फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकती, लेकिन प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकती है. दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ईटिंग एक्सेस प्रोटीन. तो लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड कि जरूरत ज्यादा प्रोटीन खाऊंगा टॉक्सिसिटी हो जाएगी. टॉक्सिसिटी नहीं होगी, आप मोटे हो जाओगे, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. वो मसल नहीं बनेगी, वो प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन इट विल बॉडी विल स्टोर इट, राइट? तो हाउ मच प्रोटीन इज अवेलेबल? लेट्स से अगर मुझे प्रोटीन रिच फूड खाना है तो क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है. अगर मैं मिल्क पीता हूँ, 1 glass मिल्क इट कंटेन्स 5 to 6 grams ऑफ प्रोटीन. रिच सोर्स बताता हूँ, अगर मैं एग लेता हूँ ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, यू कैन से 6 to 7 grams एक एग में प्रोटीन. दाल में कितना होता है ना, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन वी ऑल वी ईट ना. एक कटोरी दाल में अराउंड 5.3 grams प्रोटीन होता है ना. वेजिटेबल्स, एक सर्विंग वेजिटेबल अगर हम ले, चाहे रॉ हो चाहे कुक्ड हो, डज नॉट मैटर. एक सर्विंग मतलब एक कटोरी की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें अराउंड 2 grams होता है प्रोटीन ना. अच्छा अगर हम लोग 2 roti खाएं, बिकॉज दैट्स व्हाट जनरली वी ईट, 2 roti अगेन 6 grams इसमें नो होता है. राइस में कितना होता है ना, राइस मतलब अगर हम एक कटोरी राइस लेते हैं जो कि पकी नहीं है ना, तो उसको जब हम कुक करेंगे तो इतना रेजरा हो जाएगा ना. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 1 कटोरी अनकुक्ड राइस ना. सो एक कटोरी अनकुक्ड राइस में इज अराउंड 4.4 grams. सो इट्स लो इन प्रोटीन, बेसिकली राइस में मोर ऑफ अ स्टार्च ना. और ब्रेड में कितना होता है? ब्रेड में यू कैन सी इट, आई डोंट नो, हाँ ओके दिख रहा है ना. ब्रेड में आई गेस समवेयर 3 grams ना, तो ठीक ठाक प्रोटीन होता है. ओके चिकन, एक सर्विंग चिकन में, एक सर्विंग मतलब जो हम लोग इनफ चिकन खाते हैं, या मीट में कितना होता है? ये 20 grams होता है ना एक सर्विंग चिकन में. कैन यू सी द डिफरेंस? ये 20 gram और कहाँ 5, 6, 12 grams ना. अब इंडिया में बहुत कॉमन है यार प्रोटीन डेफिशिएंसी. रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ अस आर नॉन वेजिटेरियंस ना, मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन. और जब मैं नॉन वेज की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ दिन में 2 बार 3 बार नॉन वेज खाते हैं ना. तो somebody eats chicken twice पेट भर के, देन यू नो 40-50 grams उसको प्रोटीन मिलेगा. फॉर अस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर दिस डेफिशिएंसी प्रोटीन. सो एज ऑफ नाउ if you read a survey, कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, probably you know, I should have shared, but मैंने इसको अलग करके नहीं रखा. You can go and search on India. More than 80% people in India have protein deficiency. That's a huge number. इसकी अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि as a Indian, we are already number one in heart disease में ना. क्योंकि जितने भी इंडियंस हैं, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, एक्सेप्ट कोस्टल रीजन्स,
दे ईट लॉट ऑफ फिश. जो हमारी आर्टरीज है ना बहुत पतली है जो ब्लड कैरी करती है, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन. क्योंकि जो इनर लाइनिंग होती है आर्टरीज को प्रोटीन की वजह से होती है ना, जब प्रोटीन कम है तो आर्टरीज जो है ना ऐसे श्रिंक कर जाती है, पतली है अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट कोस्टल रीजन. जरा सा भी ब्लॉकेज हार्ट अटैक कर देता है. अभी तुम यूरोपियंस को देखो, वो यू नो 150 किलो 200 किलो के मोटे मोटे होते हैं, बट दे डोंट गेट हार्ट अटैक इतना ज्यादा. इंडियंस को ज्यादा है परसेंटेज. रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज दे ईट लॉट ऑफ मीट, सो उनकी आर्टरीज मोटी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम है उनकी. इसका मतलब ये नहीं कल से मीट खाना शुरू कर दो. सी आर बॉडी इज नॉट सूटेड फॉर टू टाइम्स थ्री टाइम्स ऑफ मीट खाने के लिए ना. आई विल टॉक अबाउट मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इट्स इन द एजेंडा, बट यू गॉट अ आइडिया प्रोटीन का पर्पस क्या है ना. एनर्जी को छोड़ के इसको एनर्जी के लिए ना यूज करें तो ही अच्छा है, एक्सेप्ट समबडी हु इज गोइंग फॉर अ जिम. सो यू नो, तो क्या सिर्फ जो जिम जो लोग जिम जाते हैं सिर्फ उनको प्रोटीन की जरूरत है? बिल्कुल, हम सब ना, अपार्ट फ्रॉम मसल बिल्डिंग. मसल बिल्डिंग इज अ यू कैन यू नो इट्स अ कॉस्मेटिक थिंग, ना एक्स्ट्रा थिंग दैट यू गेट राइट. आई होप यू कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट द एंजाइम एंड हार्मोन लाइक हाउ प्रोटीन गवर्न्स दोस टू थिंग्स. Enzymes and hormones. It does not govern. It is used to make enzymes and hormones in our body. So, jitne bhi enzymes and hormones hai, they are combination of amino acids. Na? Okay, okay. So let's say, agar main protein nahi leta hu, to ho sakta hai ki mere jo pancreas hai, unko raw, let's say mere pancreas hai, unko insulin banane ke liye raw material chahiye. Right? Yeah. Now that raw material is some form of amino acids, jo humko diet se nahi mil raha hai. तो अब अगर मेरे डाइट में वो अवेलेबल नहीं है तो क्या हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बना पाएंगे? प्रोबेबली नॉट, उतनी एफिशिएंसी नहीं बना पाएंगे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज ना. तो देयर आर सो मेनी हार्मोन्स जो मे बी उनको इंपैक्ट होगा. सेम थिंग विद एंजाइम्स राइट. यू गॉट इट राइट. दे रिक्वायर्ड अ रॉ मटेरियल ना. सेकंड थिंग